दोस्तों आज वेडनेसडे है, तो जैसा कि मार्केट ओपन होती है पीएम गिरने लगते हैं, तो हमने ऑप्शन सेलिंग करी है। अभी मार्केट जो है 41,400 के आसपास यहाँ चल रहा है। दोस्तों अगर ओवरऑल हम अपनी पोजीशन देखें, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमें लॉस हुआ था 500 कुछ रुपए का 41,700 की कॉल में। सुबह हमने शॉर्ट किया था, फिर वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद दोस्तों हमने 41,600 का सी भी शॉर्ट किया हुआ है, जिसमें अभी हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, और ये हमने हेजिंग के लिए यहाँ 42,500 का कॉल यहाँ लिया हुआ है, जिससे हम 41,600 की कॉल को हैच कर रहे हैं। ठीक है, तो एक लॉट दोस्तों हमने अभी सेल किया हुआ है। दोस्तों इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, बट अभी हम इसमें प्रॉफिट में हैं। तो दोस्तों एक बार हम चार्ट देखते हैं, 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद नीचे रेड कैंडल बनी दोस्तों, फिर इसने अपने हाई को तोड़ के ऊपर यहाँ देखिए यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद हमने दोबारा से सेल किया है। ठीक है, फिर देखिए नीचे की तरफ ही आता जा रहा है। ओके, तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हमने 41,600 का कॉल शॉर्ट किया हुआ है, जिसका प्राइस अभी 116 के आसपास यहाँ चल रहा है, जिसमें हमें 1,100 कुछ रुपए का यहाँ दोस्तों प्रॉफिट नज़र आ रहा है। दोस्तों हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इसलिए कुछ प्राइस यहाँ डिफरेंट नज़र आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम जल्दी ही एग्जिट करेंगे, काफ़ी टाइम हो गया, हम प्रॉफिट को यहाँ लॉक करेंगे, क्योंकि ताकि हमें यहाँ लॉस ना हो, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज टाइप का है, चौपी टाइप का हो चुका है। तो अभी हम देखें तो दोस्तों इसका लो है 41,384 का, अभी यहाँ चल रहा है 41,415। तो जैसे ही अपने लो के पास आता है या देखते हैं कहाँ तक जाता है, तो वैसे ही हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल 500 कुछ रुपए का दोस्तों यहाँ प्रॉफिट ओवरऑल नज़र आ रहा है। सुबह मॉर्निंग में हमने कॉल शॉर्ट किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, फिर अचानक से रिवर्स हुआ और हमारे स्टॉप लॉस दोस्तों वहाँ हिट हो गया। तो दोस्तों अभी आप देख भी सकते हैं, यहाँ हम लगाते हैं चार्ट 1 मिनट का, तो आप यहाँ देखिए बहुत देर से 1 मिनट ऊपर नीचे यहाँ कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये 114 के प्राइस पे आ चुका है, तो ये देखिए हम इसे मॉडिफाई करते हैं और एग्जिट ही कर लेते हैं दोस्तों। 115, अभी 140 पर हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ लगा हुआ है, अगर मार्केट रिवर्स भी होगा तो हमें लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों एग्जिट ही करते हैं, पहले प्रॉफिट को सेव करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 111 पे ये पहुँच चुका है, तो दोस्तों हमने यहाँ एग्जिट कर दिया मार्केट के भाव पर। तो दोस्तों हम यहाँ एग्जिट हो चुके हैं, तो ओवरऑल देखें तो अभी हमें यहाँ 670 रुपये के आसपास का प्रॉफिट यहाँ नज़र आ रहा है, जिसमें हमने 112 के आसपास से शॉर्ट जो किया था 41,600 का कॉल, वहाँ से हम एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख भी सकते हैं 1,235 रुपये का प्रॉफिट दोस्तों वहाँ नज़र आ रहा है, और 500 कुछ रुपये का हमें लॉस हुआ। तो ओवरऑल यहाँ 2 ट्रेड अभी हमारे हुए हैं। तो दोस्तों वेट करते हैं, क्या हमें कुछ अच्छा ट्रेड मिलेगा तो हम इसमें दोबारा एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये यहीं से रिवर्स हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ इसे एग्जिट यहाँ कर दिया अपने लो पे हैं। ठीक है, तो अगर ये दोस्तों नीचे जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे, या ऊपर रिवर्स होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ ट्रेड लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया यहाँ पर लास्ट कैंडल पर, ताकि यहाँ से रिवर्स हो जाए तो दोस्तों कभी प्रॉफिट यहाँ से जा सकते थे, इसलिए हमने यहाँ एग्जिट किया है। तो दोस्तों वेट करते हैं, फिर आते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ थोड़ी देर बाद आएँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। आप अगर यहाँ देखें 15 मिनट का चार्ट हमने लगाया हुआ है, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो दोस्तों ये एक सपोर्ट के तरह काम कर रहा है। यहाँ पर मार्केट आता है फिर रिवर्स हो जाता है, मार्केट आता है रिवर्स, तो अभी ये इसी पॉइंट पर है। ठीक है, हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट यहाँ तक नीचे गिरा है, काफ़ी नीचे आया है, और फिर यहाँ से रिवर्स होने के दोस्तों चांस हैं। तो हमने यहाँ एक ट्रेड लिया है, वो हम देखते हैं क्या लिया है। तो दोस्तों हमने यहाँ 41,000 का सी यहाँ बाय किया है, अभी फ़िलहाल इसका प्राइस जो चल रहा है 348-350 पे चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं जो इसका लो है दोस्तों 333 का यहाँ लो लगा है। ठीक है, तो हमने इसे बाय किया है दोस्तों, एक लॉट में हमने इसे बाय किया हुआ है, हमने जो इसे बाय किया है वो 344 के प्राइस पे इसे बाय किया है, और हमने यहाँ स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है 332 रुपये का। ठीक है, तो ओवरऑल हमने यहाँ 12 पॉइंट का दोस्तों स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, और देखते हैं हमें कितना प्रॉफिट यहाँ हो सकता है। तो दोस्तों अभी 355 पे आ गया है, यहाँ देखिए 332 रुपये का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो हम इसे ट्रेल भी कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा और ऊपर जाता है तो हम इसे ट्रेल करेंगे। तो अगर रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो देखें तो 1:2 का, तो 24 पॉइंट पर दोस्तों हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने मार्केट के रिवर्स में यहाँ ट्रेड लिया है। ठीक है, तो कभी भी हम यहाँ फंस सकते हैं, तो इसलिए हम जल्दी ही एग्जिट करेंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। अगर तेज़ी से ऊपर जाता है तो हम रुकेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। देखिए ऊपर जा रहा है, फिर हो सकता है नीचे एकदम से तेज़ी से आए, तो दोस्तों इसलिए हमें ज़्यादा इसमें रुकना नहीं है, तो वेट करते हैं दोस्तों थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ देखिए तो अभी ये 359 पे ही 360 के आसपास चल रहा है, तो
हमें यहाँ थोड़ा ट्रेल कर लेना चाहिए ताकि अगर मार्केट नीचे भी आए तो हमें लॉस ज़्यादा ना हो। तो 340 कर लेते हैं दोस्तों हम इसे, तो दोस्तों 340 कर लिया है तो लगभग लगभग हम कॉस्ट पे ही हैं। अगर नीचे मार्केट और गिरता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। अभी 362 के प्राइस पे दोस्तों आ चुके हैं। तो ओवरऑल देखें तो दोस्तों हमें यहाँ लगभग लगभग 20 पॉइंट का प्रॉफिट दोस्तों यहाँ हो रहा है। ठीक है, वेट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम दोबारा आए हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ये 356 पे ही चल रहा है। तो दोस्तों और इसे मॉडिफाई करके और ऊपर ले आते हैं, मुझे लग नहीं रहा, हो सकता है मार्केट नीचे ही आ जाए। जो तेज़ी आनी चाहिए थी दोस्तों वो तेज़ी नहीं आई है, तो या तो हम इसे एग्जिट कर देते हैं मार्केट के भाव पर, या थोड़ा दोस्तों वेट करते हैं। 363 आ चुका है तो हम इसे कुछ अभी एग्जिट नहीं करते, वेट करते हैं। तो दोस्तों 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उसके हिसाब से 24 से 30 पॉइंट पे दोस्तों हम एग्जिट कर लेंगे यहाँ पर, या वेट करेंगे। अगर तेज़ी से ऊपर निकलता है तो थोड़ा रुकेंगे, अदरवाइज एग्जिट करके प्रॉफिट को सेव करेंगे छोटा सा ही, क्योंकि हमने मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड लिया है तो दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अब हमें ज़्यादा लॉस नहीं होने का, ऑन कॉस्ट हो गया है। तो ओवरऑल यहाँ देखें तो 1300 रुपये का प्रॉफिट यहाँ नज़र आ रहा है। 373 तक हमारी पोजीशन पहुँच चुकी है दोस्तों, ओवरऑल हमें 30 पॉइंट का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों एग्जिट करते हैं या थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर ये रिवर्स आएगा तो हम एग्जिट कर लेंगे। देखिए ऊपर कैंडल जा रही है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए ऊपर की तरफ कैंडल बन रही है, एक मिनट का चार्ट लगाया हुआ है इसलिए मैंने, ताकि तेज़ी से हमें पता चलता रहे। देखिए दोस्तों रेड कैंडल्स भी बन रही है यहाँ पर। अगर देखिए 373 पर हम दोबारा से यहाँ आ चुके हैं, 375 376 तक हम यहाँ पहुँच चुके थे, तो 374 चल रहा है यहाँ पर। मॉडिफाई करते हैं और दोस्तों इसे 350 कर लेते हैं, तो एटलीस्ट अब हमें दोस्तों प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो आप यहाँ देखिए 374 375 पे अभी चल रहा है ये मार्केट का। एक बार चार्ट देखें तो दोस्तों ये देखिए क्या ग्रीन कैंडल बनी है। अगर ऊपर जाता है तो दोस्तों हम बने रहेंगे, अगर इसमें रेड कैंडल बनेगी तो हम वहाँ से एग्जिट कर लेंगे, प्रॉफिट को सेव करेंगे, क्योंकि आज का दिन ऐसे ही है, ऊपर नीचे हो रहा है, साइडवेज टाइप का है। तो 375 ये आ चुका है, 376 को इसमें प्रीमियम बढ़ नहीं रहा, मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी प्रीमियम तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है 377 379 पहुँच चुका है दोस्तों, 381 300 तो दोस्तों एग्जिट करते हैं यहाँ पर, या बने रहते हैं या ट्रेल करते हैं। तो एक बार चार्ट देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ देखिए ऊपर की तरफ कैंडल, ये रेड कैंडल बन रही है यहाँ पर, 378 दोबारा से दोस्तों यहाँ आ गया है, 377। तो दोस्तों एग्जिट करते हैं, 30 पॉइंट इज इनफ। ठीक है, तो यहाँ मार्केट भाव पे दोस्तों एग्जिट कर लेते हैं, 374 373 ही चल रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ एग्जिट कर लिया है यहाँ पर 30 पॉइंट पे, तो ये बहुत है 30 पॉइंट, क्योंकि मार्केट कभी भी नीचे की तरफ आ सकता है। जो मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे ही आएगा। तो 373.9 पे दोस्तों हमने यहाँ एग्जिट किया है, 344 पे बाय किया था, ओवरऑल यहाँ 30 पॉइंट लिए हैं, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 30 पॉइंट पर हमने एग्जिट यहाँ कर लिया है। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ 1388 रुपये का प्रॉफिट नज़र आ रहा है अभी। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल वेट करेंगे कि अगर कोई यहाँ ट्रेड मिलता है तो ही हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ आज के लिए दोस्तों इतना ही है, क्योंकि यहाँ 2-4 ट्रेड यहाँ हो चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए रेड कैंडल भी यहाँ बन रही है। तो दोस्तों यहीं रुकते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।